मैं आप स्वागत करता ही के अपने चैनल क्रिक इलेवन फोकस पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं के एस वी वर्सेस वर्सेज पीएसवी फुल प्लस एक्सप्रेस यानी कि के एस वी क्रिकेट वर्सेज पीएसवी हान मुंडेल दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं आपको इस वीडियो में बहुत से सारे डिटेल देखने को मिलेंगे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं हो सकता है कुछ प्लेयर उनमें से खेले ना और मेन प्लेयर्स को भी नहीं खिलाया जाता कई बार आपने इन टीटेल लीगज में देखा है स्टार्टिंग के मैचेस में तो आपने करना क्या है आपने टेलीग्राम में जुड़ जाना है वहाँ पर कोई प्लेयर ऐसा होता है हमारा मिसिंग है तो मेरी फाइनल टीम आ जाएगी ना कि सिर्फ फाइनल टीम आज मैचेज हैं बहुत सारे जो बहुत सारे मैचेज हैं उनमें से कुछ मैचेज में वहाँ कवर करने की कोशिश ही करने वाला हूँ तो डायरेक्टली या तो आपको वहाँ पर शॉर्ट वीडियो आ जाएगी दो से तीन मिनट की या फिर उससे भी अच्छा तरीका वहाँ पर आपको मिल जाएगा टीम सीधा ठीक है तो ये कुछ आपको मिल जाएंगी चीज़ें लेकिन मैं सब कुछ एक्सप्लेन करके ही दूंगा टेलीग्राम पे भी तो चिंता ना करें आपने जुड़ना कैसे आप जाके सर्च कर सकते हो हमारी डिस्क्रिप्शन देख सकते हो आपकी मर्जी है लेकिन बेस्ट तरीका क्या है डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको सही चैनल मिल जाएगा कई बार आप सर्च करते हो तो आपको कोई गलत चैनल मिल जाएगा आप ध्यान रख के सर्च करने से अच्छा डिस्क्रिप्शन से ही ज्वाइन हो जाए मैं आपको एक बार चैनल दिखा देता हूँ कुछ ऐसा आपको हमारा चैनल देखने को मिलेगा आपने इस चैनल में ज्वाइन हो जाना है तीरीज़ का नाम रहेगा ड्रीम इलेवन ई सी एन टी टेन कमर्स फील्ड ठीक है कमर्स फील्ड मुझे कहना चाहिए इनफैक्ट यहीं पे मैचेस आपको देखने को मिलने वाले हैं न्यूट्रल विकेट रहेगी अभी ज़्यादा हमें पता नहीं है पहला मैच होने दो हालांकि एक्सपेक्टेड ये है कि बाउंड्रीज छोटी रहेंगी ठीक है न्यूट्रल ट्रैक मान के चलो मोस्टली आर्टिफिशियल विकेट यूज़ होगी आई एम नॉट हंड्रेड श्योर ये देखने वाली बात है कुछ टाइम में मुझे जैसे ही पता लगेगा मैं ज़रूर जरूर टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा प्रॉबेबल इलेवन आपको पहले बता दूं इनका चेंज होता रहता है हर मैच में इस टीम का काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है आप ध्यान क्या रखोगे आपने प्लेयर्स जो इंपॉर्टेंट स्टैट्स वाले हैं उनको लेना है पच्चीस प्लेयर हैं मैं पच्चीस के बारे में आपको धीरे धीरे बताऊँगा तो पच्चीस से ऊपर मिनट की वीडियो बन जाएगी तो मैं आपको सारे की प्लेयर्स के बारे में बताऊँगा पहले तो आपको जो इनके दिखे हैं तीन विकेट कीपर ये आपको दिख जाएंगे तीन विकेट कीपर इनका तो मुझे रिकॉर्ड ही नहीं मिला शरान्या का सोमन दास का ठीक ठाक रिकॉर्ड है ये टी ट्वेंटी का रिकॉर्ड है कुछ उतना खास नहीं 2020 में तो इन्होंने सिर्फ विकेट कीपिंग करी है बल्लेबाजी करी नहीं 2019 के ओडीडी में इन्होंने रन्स किए हैं 16 की एवरेज है चौके बीस लगाए हैं छक्के इतने नहीं लगाए सैयद जायद हसन ये विकेट कीपर मेरे हिसाब से खेलेगा इसका भी रिकॉर्ड आपके सामने है चार मैच में बाईस रन किए हैं इसने दो में और दो में चार मैच में छत्तीस रन तो कोई खास रिकॉर्ड मुझे अभी तक नहीं मिला लेकिन अब जो प्लेयर है वो प्लेयर का रिकॉर्ड खास है चार मैच में रन तो इसने एक किए हैं हाइएस्ट अस्सी आउट के साथ लेकिन चार मैच में इसने विकटे भी निकाली हैं पाँच तो एक ऑलराउंडर का, का काम करके देगा मोहम्मद समील्ला आपको चौके और छक्के दोनों लगा लेते हैं छक्के तेरह लगा रखे हैं असद अहमद खान का भैया कोई रिकॉर्ड नहीं है ये सारे प्लेयर ना मैंने कैटेगरी वाइज लिखे हैं तो अभी आपको सारे बल्लेबाजी सेक्शन के प्लेयर मिलेंगे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी मैं इसी हिसाब से लिखता हूँ सब कुछ और आपने ध्यान के अदा करना यार आज मैं थोड़ा ये भी है कि इतने सारे मैचेस हैं टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना है डिस्क्रिप्शन से और चैनल सब्सक्राइब कर लेना बहुत कुछ आने वाला है आपके लिए आने वाले दिनों में और उम्मीद करता हूँ आज एक और वीडियो ज़रूर दे पाऊँगा तो अगर उसकी वीडियो आती है तो आपने क्या करना है आपने लाल बटन नीचे का सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लेनी है ताकि आपको वीडियो मिल जाए सुलेमान काकड़ का मुझे रिकॉर्ड मिला इतना मुझे कुछ खास नहीं लगा 2019 का ओडीडी का ये रिकॉर्ड है ये 2019 का टी का बिल्कुल ही खास नहीं है एवरेज 20 की जरूर है यहाँ पे लेकिन इन, इनका ये है कि इन्होंने दो मैच में सैंतीस रन कर रखे हैं 2018 हज़ार में कुल मिला के नो स्पेशल रिकॉर्ड गेंदबाजी भी बहुत कम करी है ज़्यादा कुछ खास किया नहीं इन्होंने इनका ध्यान जरूर रखना ये प्लेयर मैंने कैसे मिस कर दिए फैजल बिन मुबाशर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर चार मैच में चार इनिंग्स रन अट्ठासी यानी एट्टी हाइएस्ट फोर्टी एवरेज फोर्टी फोर स्ट्राइक रेट टू फोर्टी फोर अब आप सोचोगे यार हाइएस्ट फोर्टी एवरेज फोर्टी फोर कैसे है तो भैया ये दो एट uh, एट बार में दो बार नॉट आउट गए हैं एटी एट रन में तो इनकी एवरेज फोर्टी फोर है चौके छः छक्के आठ और इन्होंने चार मैच में फोर्टीन विकेटें निकाल ली हूँ ये दो मैच में ऐसे थे जहाँ पाँच पाँच विकटें ये रिकॉर्ड बहुत खास है और ये रिकॉर्ड कब का है दो का ग्रैंड लीग के कैप्टन ट्राई करना एक ऑलराउंडर का काम करेंगे गिवन आपको बल्लेबाजी सेक्शन में है यहाँ पे अब हमने इनकी भी बात कर ली थी सद सदकुल्ला शनवारी इनका रिकॉर्ड देख सकते हो आप आपके सामने तीन तरह के रिकॉर्ड रखे हैं 2019 का टी ट्वेंटी का वनडे और 2018 का टी ट्वेंटी रिकॉर्ड देखोगे तो आपको इनका 2018 का टी ट्वेंटी रिकॉर्ड अच्छा मिलेगा जहाँ इन्होंने सेंचुरी भी लगा रखी है और ओवर भी डाल रखे हैं बाकी रिकॉर्ड मुझे उतने खास नहीं लगे लेकिन हाँ इससे आपको पता ज़रूर लग रहा है कि कुछ कुछ बल्लेबाजी और ये गेंदबाजी कर सकते हैं हालाँकि इनके खेलने पर मुझे शक है अगर खेलते हैं तो अच्छा कर सकते हैं दो में बहुत अच्छा किया था दो इनका साल अच्छा नहीं गया नवीद अहमद एक बल्लेबाज है जो पार्ट टाइम ऑफ स्पिन कर लेते हैं ज़्यादा कुछ खास रिकॉर्ड इनका भी मुझे नहीं लगा खेलते हैं तो ध्यान देना आपको जो प्लेइंग एलेवन आएगी ना तब एक बार सबके रिकॉर्ड चेक कर लेना जो प्लेयर रह गया मतलब जो प्लेयर नया खेल रहा है ठीक है बाकी तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा असद जान डेविड खेल 2019 टी20 में इसने क्या किए हैं तीन मैच में इसने 15 रन किए हैं एवरेज 15 ही है क्योंकि ये नॉट आउट गए हैं मोस्टली स्ट्राइक रेट 125 चौके दो तीन मैच में इसने चार विकटे भी निकाली है तो ये भी आपके लिए अच्छा प्लेयर है ये ऑलराउंडर का ही काम करके देगा आपको आप ट्राई कर सकते हो अब एक बार प्रॉबेबल इलेवन आ जाए क्योंकि इसके प्लेयर ना काफ़ी अच्छे हैं मतलब सात आठ ऐसे प्लेयर हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं तो प्रॉब्लम यह है प्लेइंग इलेवन आएगी तभी मैं बता पाऊंगा कि हाँ ये खेलने वाले हैं दो आपको प्लेयर दिखेंगे प्रदीप दत्ता और अजय दत्ता इनमें मेरे को प्रदीप दत्ता का फिर भी अच्छा रिकॉर्ड लगा क्योंकि दो मैच में तीन ओवर डाले हैं विकटें दो निकाली हैं अजय दत्ता ने कुछ भी नहीं किया खास एक ही ओवर डाला है इन्होंने ओडीडी में हालांकि वो मेडन ओवर था बट टी में इन्होंने कुछ नहीं किया दो इनिंग्स हैं जीरो और टू नॉट आउट की दोस्तों आज मैं वीडियो थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे वाले मैचेस की भी रिसर्च करनी है अभी काफ़ी काम पेंडिंग है अगर मतलब जल्दी बोल रहा हूँ नॉर्मली मैं काफ़ी स्लो बोलता हूँ ताकि आपको समझ आए अगर आपको तेज़ लग रही है नीचे आपको यूट्यूब की तरफ से वीडियो की स्पीड स्लो करने का ऑप्शन होता है आप कर लो उससे आपको वीडियो स्लो हो जाएगी थोड़ी बाकी मेरे हिसाब से आपको समझ तो आना चाहिए ठीक है शायद सज्जद सद्दत कुछ खास रिकॉर्ड नहीं 2019 के टी में एक चार रन 2019 के ओडीडी में भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं 12 मैच में 12 ओवर जरूर है और विकटें तीन हैं और एवरेज 15 की इनको भी मैं खास प्लेयर उतना नहीं मान रहा खास प्लेयर तो अब आए हैं भाई शोएब आजम इनका सिलेक्शन 8 परसेंट ड्रीम इलेवन के बल्लेबाजी सेक्शन में आई थिंक और काफ़ी कम लोगों ने ली क्यों खास है चार मैच में इसका रिकॉर्ड देख लो दो पचास दो सेंचुरी मतलब किसी मैच में पचास से कम मारा ही नहीं है और हाइएस्ट इसका एक है छक्के बत्तीस चौके अट्ठाईस स्ट्राइक रेट अच्छा खासा चार मैच में तेरह ओवर भी किए हैं और विकटें भी चार लिया है शानदार प्लेयर शोएब आजम लेकिन प्रॉब्लम इनकी ये है कि ये जो दो की इनकी बोलिंग है ये 2020 में नहीं दिखी आपको 2020 में इन्होंने किसी भी ओवर मैच में ओवर नहीं डाला और 2019 के ओ में भी बहुत कम खेले थे एस प्योर बैट्समैन ही खेले थे मैक्सिमम मैचेस में तो क्या क्या यह गेंदबाजी करेंगे आई डोंट नो क्या ये बल्लेबाजी करेंगे अगर आप रिकॉर्ड देख रहे हो भैया बेहतरीन बल्लेबाज आई डोंट थिंक कि इनसे बेहतर बल्लेबाज इसमें आपको मिलेगा क्रेडिट जरूर इनका आठ है आप क्रेडिट पर ना जाए इज़तुल्ला दौलत ज़ाय राइट हैंड बल्लेबाज राइट आर्म फास्ट अच्छे प्लेयर हैं टीम के लिए कैप्टनसी भी करी है कुछ मैचेस में यहाँ पे आपको विकेट नहीं दिख रहा लेकिन ओडीडी में विकटें निकाल रखी हैं 2020 में अभी तक आठ ओवर डाल के इनको विकेट नहीं मिली है रन छत्तीस हैं टाइम आने पे चौके छक्के भी लगा लेते हैं अच्छे ऑलराउंडर हैं सफी अहमद जाई 2019 का ओडीडी रिकॉर्ड मिला मुझे सिर्फ छः मैच में रन तो फोर्टी फोर ही हैं कुछ खास बल्लेबाजी नहीं लेकिन छः मैच में ओवर छत्तीस करके सात विकटें निकाली हुई हैं और छः मैच में छत्तीस ओवर कैसे क्योंकि ओडीडी रिकॉर्ड है इसरार खान आपको दिखेंगे राइट हैंड बल्लेबाज और लेक्समैन ज़्यादा बल्लेबाजी से एक्सपेक्ट नहीं करूंगा इनकी लेकिन गेंदबाजी से जरूर करूंगा क्योंकि इन्होंने चार मैच में दस ओवर करके दस विकटें निकाली अब बल्लेबाजी से क्यों नहीं क्योंकि सिर्फ इन्होंने अट्ठाईस रन किए चार मैच में इनका रिकॉर्ड दो में अच्छा था जहाँ इन्होंने एक सेंचुरी करी थी एक नॉट आउट की इनिंग खेल के उतना बल्लेबाजी का रिकॉर्ड उसके बाद अच्छा नहीं रहा एक आधी इनिंग ही अच्छी खेली थी एक और प्लेयर शानदार मुर्दीक अहमद राइट हैंड बल्लेबाज राइट आर्म फास्ट 2020 का रिकॉर्ड दिखा रहा हूं आपको चार मैच में तीन रन हाईएस्ट 106 इन्होंने भी दो फिफ्टीज और दो सेंचुरीज लगाई हैं तो ये प्लेयर का भी ध्यान रखना है चार मैच में इसने दो विकटें निकाल रखी हैं तो ये प्लेयर का भी आपको ध्यान रखना है फिन सदार रंगनी ठीक है इन प्लेयर ने भी 2020 में खेला सिर्फ इसने खेला ही सिर्फ 2020 में है परफॉर्मेंस अच्छी है चार मैच में छः विकटें चार मैच में एक रन लेकिन बैटिंग थोड़ी नीचे करने आते हैं शेकेब नायब खेल चार मैच में आठ रन है दो हज़ार टी ट्वेंटी दो हज़ार ट्वेंटी ट्वेंटी का रिकॉर्ड है ये टी ट्वेंटी का रिकॉर्ड है दो हज़ार बीस साल में ट्वेंटी 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 कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा तीन मैच में छिहत्तर रन यानी सेवेंटी सिक्स रन इन्होंने किए हैं और तीन मैच में तीन इनिंग में इन्होंने पाँच विकटें भी लिया है प्रॉब्लम ये है दो हज़ार बीस में बॉलिंग नहीं करी ओ डी डी में देखोगे तो ये इनका ओ डी डी रिकॉर्ड है उतना कुछ खास अ, मतलब ओ डी डी का इनका रिकॉर्ड नहीं है लेकिन दो हज़ार उन्नीस का रिकॉर्ड अगर आपको देखना है तो आप ये देख के कहोगे कि हाँ ठीक प्लेयर है इतने ख़राब भी नहीं है सुल्तान शरजत शाह ठीक प्लेयर हैं क्योंकि इनका बॉलिंग रिकॉर्ड अच्छा लगा मुझे चार मैच में छः विकटें निकाली हैं बारह ओवर करके रन बयालीस ही हैं लेकिन एवरेज इक्कीस है इससे पता लगता है कि ये दो मैच में जब बल्लेबाजी करने आए हैं दोनों में बल्लेबाजी ठीक ठाक करी है इन्होंने और स्ट्राइक रेट और चौके छक्के दोनों ठीक लगे मुझे सतार दरवेश ठीक ठाक प्लेयर हैं उतना खास रिकॉर्ड नहीं चार मैच में दो विकटें सिलेक्शन हाई है और रिसेंट मैचेस खेले भी हैं जिस वजह से मुझे लगता है खेलेंगे मसूद दोस्त खेल दो मैच में उसने ओवर आठ किए हैं विकेट एक लिया यहाँ पे आठ ओवर फिफ्टी नाइन फॉर वन आप देख सकते हो टोटल कंबाइंड बोलिंग फिगर्स इनकी उन दो मैच की और रन एक ही किया दो हज़ार सत्रह के ऑलरेडी में इनकी एवरेज भी क्या रहे हैं और सात मैच में एक ही इनिंग में इन्होंने ओवर डाले और थ्री फो थ्री ओवर सेवन फॉर वन था तो ये हमें थोड़ा हैरान था दिलराज सिंह उतना कुछ खास नहीं रेजवान अफजल इनके एक विकेट कीपर हैं जो आपको कहाँ गिवन है आपको गिवन बोलिंग सेक्शन में आपने देखा है चार मैच में अस्से न तो मैं सरप्राइज़ नहीं हूँ ये आपको ऐसा खेलते दिखे हैं विकेट कीपर क्योंकि इनका रिकॉर्ड मुझे बाकी कीपर से अच्छा लगा चार मैच में छः चौके इन्होंने छः लगा रखे हैं छक्के इन्होंने पाँच लगा रखे हैं जहाँ तक मुझे ध्यान है ये डी का रिकॉर्ड है और टी ट्वेंटी का इनका रिकॉर्ड है एक मैच में दस रन टेलीग्राम में जुड़ना नहीं भूलना है अब हम पी की बात करेंगे पी जो इनके सामने का क्लब है उसके ये प्रॉबेबल इलेवन आपको देखने को मिल सकती है विकेट कीपर थोड़ा श्योर नहीं बट दोनों विकेट कीपर ठीक ठाक हैं असद संगारी मुझे बेहतर विकेट कीपर लगे क्योंकि इनका रिकॉर्ड बेहतर है हालांकि 2020 में खेलने वाले प्लेयर साजिद जबर खेल हैं तो कौन खेलेंगे इसी के लिए मुझे कन्फ्यूजन है रिकॉर्ड वाइज असद बेटर हैं लेकिन रिसेंट मैचज़ में साजिद को प्रेफर किया गया इनके आगे अब दोनों का रिकॉर्ड देखेंगे आपको बेहतरीन रिकॉर्ड आपके सामने ही है इन्हीं का लगेगा इन्होंने रनस किए हुए हैं एक सौ पचासी दो हजार उन्नीस के वनडे रिकॉर्ड है ये और टी ट्वेंटी रिकॉर्ड ये चार मैच में एक सौ छियासी रन जो मुझे अच्छा लगा जिस वजह से मैं प्रेफर करूंगा कि अगर खेलते हैं तो आदिल अहमद की बात करें एक राइट हैंड बल्लेबाज पार्ट टाइम आप कह सकते हो राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर हैं उतना कुछ खास नहीं लेकिन 2020 में एक मैच में 24 रन किए हैं दो छक्के की मदद से 2019 का टी रिकॉर्ड भी आपके सामने है पचासी रन इन्होंने कर रखे हैं लेकिन इनकी खास बात क्या है ये बहुत अच्छे फील्डर हैं काफ़ी कैचेज़ इन्होंने किए हैं पर मैच में आप देखोगे एक दो कैच किए ही हैं, हैं और हिटिंग के लिए जाने जाते हैं इनका स्ट्राइक रेट भी आप देख सकते हो कितना तगड़ा है चौके छक्के भी लगा रखे हैं सरदार वाली काकड़ उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं दस मैच में एक रन लेकिन इनका एक ही टी मैच है जो इन्होंने दो में खेला है उसमें इन्होंने पचास रन किए थे तीस गेंद में अब आप सोचोगे तो ये कौन सा रिकॉर्ड है तो ये मैंने लिख रखा है ये ओ रिकॉर्ड है वनडे का पचास ओवर का इमरान हफीज़ एक इनके बल्लेबाज हैं आपको एक मैच में चार ही रन करके दिए इन्होंने इस साल में लेकिन तीन मैच में पच्चीस रन किए थे पिछले साल कुल मिलाकर तीन इनिंग्स खेली थी पहली में बल्लेबाजी नहीं आई दूसरे में ग्यारह नॉट आउट तीसरी में फोर्टीन रन दो में इन्होंने एक ब्रिलियंट नॉक खेली थी एक रन की इसके अलावा इनका ओक्कीस रिकॉर्ड है यहाँ पे इनके प्लेयर जो हैं अब थोड़े मेन आने स्टार्ट होंगे ध्यान रखिएगा आपने देखना क्या है कि ये जो टीम है थोड़ी कमज़ोर लगी मुझे के की टीम जो है वो ज़्यादा अच्छी है तो ग्रैंड लीग में आप प्रेफर करना के के साथ भी और स्मॉल लीग में छः से सात भी ले जा सकते हो छ प्रेफर करिएगा ये साथ भी कर सकते हो ऐसी कोई बात नहीं है अमनुल्ला शरीफी वन ओ गेम 2019 में बट कुछ किया नहीं इन्होंने नासिर रुस्तम खेल का अगर आप देखोगे मैंने आपको सारा रिकॉर्ड दिया हुआ है दस मैच में इन्होंने ओ में पचहत्तर रन किए हैं चार बारी गेंदबाजी करी है पाँच विकटें लिए हैं ठीक है, है? ओवर सोलह किए हैं दस मैच में केवल चार बारी गेंदबाजी करी है दो हज़ार अठारह के रिकॉर्ड में देखोगे हम तीन मैच में चार रन बॉलिंग करी नहीं और एक मैच में पच्चीस रन और उस मैच में उन्होंने तीन ओवर भी डाले थे तो बेसिक ध्यान आपने क्या करना है दो हज़ार अठारह जो का जो इनका टी ट्वेंटी गेम था उसमें इन्होंने पच्चीस रन करके तीन ओवर किए थे जहाँ पर उन्होंने एक भी विकेट नहीं ली थी कमरान न्याजी को कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है एक मैच में इन्होंने खेला कुछ नहीं किया विनोद जोशी इनके बोलर हैं आपको गिवन बल्लेबाजी सेक्शन में है इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं कुछ मैचेस में कैप्टनशी भी किया दो मैच में पांच विक्टें हैं इनकी दो में ठीक है तो ये ध्यान रख के चलना दो में पांच विक्टें लेके गए हैं सिर्फ दो मैचेज में ही मतउल्ला यूसफाय टीम के वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर एक मैच में इन्होंने तीस रन किए हैं और उसी मैच में इन्होंने चार ओवर डाल के दो विकटें भी लिए हैं जो 2020 में ही हुआ है इससे पता लगता है टीम के इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं उस मैच में ओपन आए थे लेकिन 2019 के मैचेस में नीचे ही आए हैं फाइव सिक्स डाउन पर एक और इम्पोर्टेंट प्लेयर आता है गुलजरायज मुस्तफ़ा क्योंकि इसका एक मैच में सत्रह रन है ओपनिंग पर आकर और इसने एक मैच में तीन ओवर करके एक विकेट लिया है ये दोनों का जो है ये इसी दो वाले मैच में ही खेले हैं और दोनों ओपन आए थे इकट्ठे 2019 का भी टी का रिकॉर्ड देखोगे गुलरैस का अच्छा है पांच मैच में इक्सी रन और पांच मैच में सात विकटें नादेर खान रहमनी उतना कुछ स्पेशल रिकॉर्ड मुझे लगा नहीं 2019 हज़ार टी का लेकिन 2019 हज़ार का भी मैंने लिखा है उसमें आप देखोगे इन्होंने रेगुलर बॉलिंग करके बहुत अच्छी विकटें निकाली हैं दस मैच में अठारह विकटे और एवरेज ठीक है लेकिन मैं इनको एज गेंदबाज रैंक करूंगा आप इनको ट्रैक कर सकते हो डेविड रान एक इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर चार मैच में इन्होंने इकत्तीस रन किए हैं लेकिन चार मैच में तेरह ओवर किए हैं जो कि गेंदबाजी में इनकी महत्वपूर्णता दिखाता है ग्यारह विकटे भी लिए हैं दो का रिकॉर्ड देखोगे ओडीडी का तो उसमें भी दस मैच में छः विकटें और एवरेज भी एवरेज यहाँ पर फोर्टीन है तो ये भी थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा बाकी इनके जो प्लेयर है उसमें अमीन जदरान आते हैं आपको ये राइट आर्म बैट्समैन दिखेंगे और राइट आर्म मीडियम करके दिखेंगे राइट हैंड बल्लेबाज हैं बल्ले है। एक मैच में इन्होंने विकटें निकाली हैं तीन और कुछ खास किया नहीं है इस साल जो हुआ है लेकिन ये पता लगता है कि हाँ भैया बॉलिंग करने वाले हैं दो के टी में भी इनका बॉलिंग रिकॉर्ड अच्छा है आप देख सकते हो खुद ही अव्वल खान साफी इंपॉर्टेंट प्लेयर राइट हैंड मीडियम प्लस राइट हैंड बैट्समैन मैच एक खेला है पंद्रह रन किए स्ट्राइक रेट डेढ़ सौ का यानी दस गेंदों में पंद्रह किए होंगे बाकी यहाँ पे आपको बता दूँ चौके छक्के इन्होंने लगा रखे हैं और ओवर भी डाले थे दो और उसमें भी दो विकटे लेके गए थे तो इनका भी रिकॉर्ड मुझे अच्छा लगा अव्वल खान साफी का भी ये भी आप प्लेयर ट्राई कर सकते हो अब जहीर खान एक नाम के बोलर हैं ये अपने इंडिया वाले जहीर खान नहीं है हालाँकि है ये भी राइट हैंड बल्लेबाजी और लेफ्ट आर्म फास्ट जो कि ताजुब की बात है क्योंकि हमारे वाले जहीर खान भी यही सब करते हैं राइट हैंड बल्लेबाज लेफ्ट आम फास्ट अगर मैं आपको बता दूं एक मैच में इन्होंने दो ओवर डाले विकेट नहीं मिली दो ओवर सत्रह पे जीरो था 2019 के टी ट्वेंटी में चार मैच में तीन विकेट विकेटें ठीक है वहीद मोहम्मद का कुछ खास मुझे रिकॉर्ड लगा नहीं दो मैच में चार ओवर करके एक विकेट है 2019 हज़ार -20 में ओडी में माफ़ कीजिएगा फिर भी ठीक रिकॉर्ड है और बाकी जुनैद जवेद का रिकॉर्ड मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने रेगुलरली बॉलिंग करी है आठ मैच में सात इनिंग में ओवर बीस डाले हैं विकटें नौ और थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी करी है ठीक है टी ट्वेंटी में एक ही मैच खेले हैं दो ओवर किए हैं विकटें है, एक लिए दो ओवर सात पे एक इनका बॉलिंग फिगर था उमेद उमेदुल्ला साफ़ी का मुझे रिकॉर्ड नहीं मिला उमेद खान नाम से एक प्लेयर थे बट आई एम नॉट श्योर कि ये वहीं हैं तो मैंने रिकॉर्ड नहीं लिखा है कल को वो प्लेयर ना हो तो आप लोगों का नुकसान ना हो इस वजह से रॉयल चोत्रा ओ रिकॉर्ड भी है टी भी हम टी ट्वेंटी थोड़ा जो जोर देते हैं बट क्या है कि इनके रिकॉर्ड एक एक दो दो मैच ही खेले हुए हैं इस टीम ने टी का इसलिए मैंने मैक्सिमम प्लेयर के ओ भी दिए हैं आपको चार मैच में पाँच विकेट ओडीडी में रन पे मत जाओ वॉलर हैं और टी में दो मैच में एक ही ओवर किया जिसमें उन्होंने एक विकेट भी लिया था इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स एक बार मैं आपको फिर बता दूं इस टीम के ज़्यादा प्लेयर इंपॉर्टेंट नहीं है अव्वल खान साफी अच्छे लगे मुझे अमीन जदरान अच्छे लगे देवुड जदरान मैक्सिमम बोर और ऑलराउंडर इनके लेने की कोशिश करना ना भी ठीक लगे इंपॉर्टेंट जो मुझे दो लगे मतुल्ला यूसफाय और गुलराइज मुस्तफ़ा ठीक है विनोद जोशी को एज़ बॉलर देखना टीम में और इम्पोर्टेंट बल्लेबाज अगर इनके देखोगे तो उसमें मुझे यहाँ पे असंस असद सुंगारी अगर खेलते हैं विकेट कीपर और आदिल अहमद इम्पॉर्टेंट बल्लेबाज लगे बहुत कंफ्यूजिंग सा मैच है यार इतने सारे प्लेयर हैं और मुझे विकेट कीपर में शोर तक नहीं है कि कौन खेलेगा कौन नहीं मुझे जो समझ आ रही है यहाँ पर खेल सकते हैं जेड जायद हासन और यहाँ पे एस सदर माफ़ कीजिएगा यहाँ से एस जबर खील तो ये दो प्लेयर्स के खेलने का चांस है एक बार फिर बता देता हूँ जायद हसन और जबर खील अभी के लिए मैंने यहाँ पे पिक करा हुआ है जबर खील को रीज़न सिर्फ ये है कि मुझे इनका थोड़ा रिकॉर्ड ठीक ठाक लगा बाकियों से ज़्यादा ठीक है हालांकि मैं सच बताऊँ तो विकेट कीपर मैं आपको फाइनल टीम आने के बाद ही बताऊँगा क्योंकि संगारी अगर खेलते हैं इनको ही चॉइस करूँगा बल्लेबाजी सेक्शन में अगर आप आ जाते हो आपको सबसे पहले यहाँ पर पिक करने हैं अदील अहमद इंपॉर्टेंट प्लेयर है फील्डिंग वाइज भी और बैटिंग वाइज़ भी अच्छे प्लेयर हैं क्योंकि स्कोर कर रखा है एम समील्ला मैंने आपको बताया था बॉलिंग भी करते हैं आप स्टैट सारे देखे हैं अगर आपने धीरे धीरे एक बार देखने हैं फिर से अगर आपको समझ नहीं आया ये प्लेयर बोलिंग में भी अच्छा था बल्लेबाजी में भी अच्छा था इस वजह से मैंने लिया है बाकी ए अहमद खान उतना मुझे कुछ खास रिकॉर्ड इसका लगा नहीं जिस वजह से मैं पिक नहीं करा सेवेंटी एट परसेंट सेलेक्शन ज़रूर है एफ बिन मुबाशर इसको इसको लेने का रीज़न ये है अठारह परसेंट सिलेक्शन होने के बावजूद भी क्योंकि ओवर करता है साथ में बल्लेबाजी करता है ठीक है तो ये प्लेयर को भी ले लिया नवीद अहमद को भी मैं पिक नहीं कर रहा मुझे उतना कुछ खास रिकॉर्ड इनका लगा नहीं है एस आज़म मैंने आपको बताया था आठ परसेंट वाले सिलेक्शन याद है ना चार मैच में इन्होंने क्या किया था दो सेंचुरी और दो फिफ्टी इस वजह से इनको पिक कर रहा हूँ आई हफीज़ ऑर्डिनरी रिकॉर्ड उतना खास नहीं बाकी मुझे कोई खास प्लेयर लग नहीं रहे खेलेंगे नहीं ये मुझे लग रहा है बाकी मैंने आपको सबके रिकॉर्ड दिखाए हैं पिक करने वाला कोई खास मुझे लग नहीं रहा डेविड डेविड खेल को आप ग्रैंड लीग में ट्राई करना रुस्तम तो खेल को कर सकते हो और यहाँ एक और प्लेयर है शिनवारी अगर ये खेलते हैं इनको ट्राई कर सकते हो ऑलराउंडर सेक्शन में आपको तीन प्लेयर लेके जाने हैं सबसे पहले आपको एम लेना है अपनी टीम के लिए की प्लेयर रहेंगे इस वजह से यहाँ पे आपको ट्राई करने हैं एम अहमद एम अहमद वही है जिनका दिखाया था चार मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी रिकॉर्ड था और गेंदबाजी भी कर लेते हैं इस वजह से ठीक है एम अहमद का रिकॉर्ड एक बार चेक करोगे तो चार मैच में आई थिंक एक सेंचुरी थी या दो सेंचुरी भी थी और दो हाफ सेंचरीज थी और ओपनिंग पे भी आ सकते हैं अब यहाँ पे आप पास चॉइस आएगी भैया ऑलराउंडर की एक मैं यहाँ पे किसको लेके जाने वाला हूँ आई खान भी हैं आई दौलत जई भी हैं ये दोनों प्लेयर अच्छे हैं मुझे आई दौलत जई पर थोड़ा ज़्यादा भरोसा आ रहा है क्योंकि ये गेंदबाज टीम के मेन है और कैप्टनसी कर चुके हैं हालांकि इस साल इनको विकेट नहीं मिली थी आपको सेफ जाना है आई खान को ले सकते हो इनको लेने का रीज़न यही है नॉर्मली इनका ओडिडी रिकॉर्ड बढ़िया है और ये विकटें निकाल सकते हैं साथ ही साथ ये कभी कभी टू डोन पर भी आ चुके हैं और इन्होंने चौके छक्के लगा रखे हैं आपके सामने स्टैट्स से वो देख के आप समझ पाओगे ठीक है अब यहाँ पर अगर आप ध्यान रखना चाहते हो कुछ कौन से प्लेयर हैं आई खान हैं ये दोनों का मुझे क्यों इतना सिलेक्शन हाई है ज़्यादा समझ नहीं आया एन खान रहमनी तो फिर भी ठीक है बट ऐसा अहमद जई उतना खास नहीं जी मुस्तफ़ा कम सिलेक्शन अच्छे प्लेयर ए जदरान ठीक ठाक प्लेयर और एफ़ सदार गनी इनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा था इनको आप ग्रैंड लीग ज़रूर ट्राई करना खेले सिर्फ 2020 में ही हैं लेकिन अच्छा खेले हैं अब क्या होता है कि कुछ मुझे प्रॉबल इलेवन में चेंज मिलता है या फिर मैं हिम्मत कर पाता हूँ ए अहमद को छोड़ने की इसको लेने का रीज़न क्या है सिलेक्शन देखो एटी मैं नहीं चाहता ये प्लेयर ओपनिंग पे आ जाए और आपके लिए बहुत रन मतलब रन कर दे और आप पास ना हो वरना सीधा सीधा इनकी जगह मैं इसको पिक करता सदार गनी को तो ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करना प्लीज़ मेरी फाइनल टीम देखना ज़रूर मेरी फाइनल टीम में चेंज होने वाला है मैं आपको बता रहा हूँ पच्चीस से मतलब पचास प्लेयर हैं और इतने सबके नाम नाम भी सेम है कि मैं मैं खुद बहुत कन्फ्यूज़ हुआ था ए खान साफ़ी बोलिंग सेक्शन में आपको दिखेंगे इंपॉर्टेंट प्लेयर है इनका रीज़न क्या है इनको लेने का क्योंकि ये गेंदबाजी में आपको विकटें निकाल के दे सकते हैं आपको रिकॉर्ड दिखाया कुछ शॉट्स भी लगा सकते हैं सबसे अच्छे जो मुझे बोलर लगे वो थे एट परसेंट सिलेक्शन में एस दरवे रीज़न बीइंग लंबे शॉट्स लगा लेते हैं और विकटे भी निकाल लेते हैं जहीर खान लेफ्ट आर्म फास्ट कर लेंगे आप ट्राई कर सकते हो इनको लेकिन मैं यहाँ पे सेफ जाना चाहता हूँ आर सत्र आर सोत्रा के साथ आर सोत्रा को लेने का रीज़न ये है इन्होंने हर मैच में ऑलमोस्ट पूरे ओवर किए हैं अगर आपने नोटिस किया होगा और रिसेंटली मैच में भी खेले हैं तो ये रीज़न है तो इनको माफ़ कीजिएगा यहाँ पे मैंने एस दरवेश ले लिया आठ परसेंट वाले तो ये गलती कर दी मैंने ये एस दरवेश को नहीं लेना था एस शरशद शाह को लेना था जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बोलर हैं ये थे वो जो हिट्स लगा लेते हैं और विकेट्स भी ले सकते हैं एस दरवेश को नहीं तो सॉरी वो मैंने आपको आठ वाले बोल दिए ये प्लेयर थे इनका ध्यान रखना इतना सोच समझ के वीडियो मैंने फास्ट फास्ट बनाया फिर भी मेरे को बीस मिनट लगे क्योंकि बहुत प्लेयर थे और आपको इनमें अब आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की ऑप्शन बता रहा हूँ एफ बिन मुबाशर मुझे अच्छे लगे समील्ला मुझे अच्छे लगे एम अहमद मुझे अच्छे लगे ये सारे प्लेयर्स अच्छे थे एस अहमद को ग्रैंड लीग में ठीक है आपको इन प्लेयर्स का ध्यान रखना है मेरी जो ये मतलब जो ट्रायंगल में बने ये प्लेयर्स मेरी जो फाइनल टीम है आपको टेलीग्राम में आ जाएगी वीडियो में हर एक प्लेयर का स्टैट्स है आप फिर से देखने की ज़रूरत पड़ती है तो क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग इतने सारे इनके नेम्स कॉमन से हैं तो थोड़ा ध्यान रख के आपने वीडियो देखनी है फिर से टेलीग्राम में जुड़ना कैसे है यहाँ से अगर आप सर्च करोगे मतलब सर्च क्या ही करना ये आपको दिख रहा है हमारा चैनल आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन हो जाओ